पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। तुमको लेकर कभी कभी दिल बच्चा बन कर रोता है, तूने पहली नजर ने है तूने ऐसे जुदा किया, ये वफा कर सब कुछ भुला दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राघव, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनीवे में स्वागत है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिए, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि नमक सत्याग्रह क्यों सत्यापित किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। नमक सत्याग्रह क्यों सत्यापित किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो देखिए इसको किस तरह से देखिए कि गांधी जी ने नमक को ब्रिटिश सरकार के विरोध में, क्या कि गांधी जी ने नमक को ब्रिटिश सरकार के विरोध के माध्यम के रूप में चुना, यानी जो गांधी जी थे वो ब्रिटिश सरकार को विरोध के माध्यम के रूप में चुना, किसको, नमक को। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय कौन थे, वायसराय एक व्यक्ति का नाम था, वायसराय इरविन को पत्र लिखा, क्या गांधी जी ने वायसराय इरविन को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी 11 मांगों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, 11 मांगों का उल्लेख किया विशेष रूप से, यानी कि जो अत्यधिक महत्वपूर्ण था वो नमक कर सब समाप्त करने के लिए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देंगी, क्या कि कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देंगी। तो देखिए, गांधी जी ने नमक को ब्रिटिश सरकार के विरोध के माध्यम के रूप में चुना। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने किसको पत्र लिखा, वायसराय इरविन को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी 11 मांगों को उल्लेख किया विशेष रूप से। जो महत्वपूर्ण मांग थी वो थी कि नमक कर समाप्त करने के लिए, यानी कि नमक कर कैसे भी समाप्त हो जाए। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि अगर 11 मार्च तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं, क्या कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देंगी, क्या कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देंगे। देखिए अब आगे नमक यात्रा देखेंगे कि यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, क्या इसी जगह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह यात्रा साबरमती में, यानी कि साबरमती में गांधी जी के आश्रम से प्रारंभ होकर 240 किलोमीटर, कितनी दूर, 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक कोई स्थान है गुजरात में, गुजराती तटीय कस्बे में समाप्त हुई और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर, क्या 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा, क्या किया गांधी जी ने, 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाया और कानून को तोड़ दिया। देखिए एक बार कि यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, नमक यात्रा में लिखेंगे कि यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, कि यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से प्रारंभ हुई, कि यह जो यात्रा चली थी वो साबरमती के गांधी जी के आश्रम से चली और ये जो दूरी थी पूरी 240 किलोमीटर की दूरी थी और डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में समाप्त हुई, जो डांडी नाम का गुजराती तट होगा किसी कस्बे में वहाँ पर समाप्त हुई। 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ दिया गया। तो यही था हमारा कि नमक सत्याग्रह क्यों सत्यापित किया गया, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा भी गया था, हाल फिलहाल में 2020 में पूछा भी गया था। तो उम्मीद करूँगा कितने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।